रहा है और कब हमें ट्राइबल चीफ की एंट्री देखने को मिलेगी। तो गाइज, रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जय उसो को दिखाया गया, साथ अरीना में आए थे और पॉल हैमन से भी मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं ट्राइबल चीफ से बात करना चाहता हूं और जब भी वो आए तो बता देना कि मैं यही हूं। और फिर वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जय उसो बोलते हैं, सैमी ज़ेन कभी भी टीम का मेंबर नहीं बन सकता, उनका रिश्ता है, जिमी मेरा भाई है, मैं हमेशा इसके लिए आगे खड़ा रहूंगा, मैं अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़। एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है कॉडी रोड्स। फिर कॉडी रोड्स बोलते हैं कि अगर तुम मेरे बारे में बात करना चाहते हो तो तुम सीधा मुझसे बात करो। और कॉडी रोड्स फिर बोलते हैं कि बात नहीं करते, चलो फाइट करते हैं। और कॉडी रोड्स और सैमी ज़ेन दोनों मिलकर दी उसोस को रिंग से भगा देते हैं। तो गाइस, सैमी ज़ेन जिस तरह कॉडी रोड्स के काम आ रहा है तो उससे साफ जाहिर होता है रेसलमेनिया में वो कॉडी रोड्स के पीछे रहेगा। सैमी ज़ेन और इंटरफेरेंस इनकी हमें देखने को मिल सकती है रेसलमेनिया के मैच में, और दुखी उन्हें चैंपियनशिप का मैच मिल जाए और वो टीम मेंबर की खोज कर रहे थे, उन्हें कॉडी रोड्स मिल गए। शायद हमें रेसलमेनिया से पहले दी उसो एक टैग टीम चैंपियनशिप में मैच देखने को मिल जाए, या फिर सैमी ज़ेन की टीम में कोई और दूसरा रेसलर देखने को मिल सकता है और उस टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में कॉडी रोड्स इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और रोमन के स्मैकडाउन में न आने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो रोमन की जो रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन है उसको WWE अभी रिवील नहीं करना चाहती है, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उसी को दिखाया जा रहा है। और जिस तरह से सैमी ज़ेन को बैक टू बैक एपिसोड में दिखाया जा रहा है तो रोमन को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा कि वो रेसलमेनिया के मैच से पहले अनफिट ना हो जाए। और सभी को पता है WWE के लिए रोमन कितने जरूरी हैं, रोमन ही इन इवेंट में परफॉर्म करता है। तो गाइज, आप रोमन की एंट्री को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो